वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम कंप्यूटर साइंस क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए, इसके अंदर फर्स्ट हम बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड, कि मतलब कि किसी को आपके सामने प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लेते हो, पहले कौन से लेते हो, बाद में कौन से लेते हो, ओवरऑल क्या स्ट्रेटजी रहती है, इससे रिलेटेड ये चैप्टर है। तो इसको देखते हैं पहले स्टार्टिंग से। टुडे कंप्यूटर आर all around us, we use them for doing various tasks in a faster or the more accurate manner। तो computers का इस्तेमाल हम various tasks को perform करने के लिए fastly और accurately करने के लिए करते हैं। For example, using a computer or smartphone we can book train tickets को book कर सकते हैं। जैसे railway reservation का, जो railway का देखो network बहुत बड़ा है, उसके अंदर जो railway reservation होता है बहुत ही complex task है। Making reservation involved information about many aspects such as details of train, train की क्या details है, train का type जैसे हो गया, train की breadth and then the कंपार्टमेंट्स इन द ईस्ट ट्रेन, देयर शेड्यूल क्या है, ये सब चीज़ें की जानकारी इसमें होनी चाहिए सिस्टम में। सिमेंटेनसली बुकिंग ऑफ टिकट्स विद द मल्टीपल यूजर्स एट ए टाइम, देखो बहुत सारे यूजर्स एक ही बारी में उस टिकट को बुक करना चाहते हैं, ठीक है, तब उनको भी कंट्रोल करना है, एंड मैनी अदर रिलेटेड फैक्टर्स। इट इज़ ओनली ड्यू टू द यूज ऑफ कंप्यूटर्स दैट टूडे द बुकिंग ऑफ द ट्रेन टिकट्स हैज़ बिकम ईजी हो गया है बहुत ज़्यादा। ऑनलाइन बुकिंग ऑफ ट्रेन टिकट्स हैज़ एडिड टू ओवर कम्फर्ट बाय अनेबलिंग अस टू बुक टिकट्स फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम 24/7 जी भी हम कहते हैं कि कभी भी आप कहीं से बुक कर सकते हो। वी यूजली यूज द टर्म कंप्यूटराइजेशन टू इंडिकेट द यूज ऑफ कंप्यूटर्स टू डेवलप द सॉफ्टवेयर इन ऑर्डर टू ऑटोमेट, ऐसे सॉफ्टवेयर डिजाइन करना, डेवलप करना जिससे ऑटोमेट हो जाए, मतलब ऑटोमेटिकली काम हो जाए, फॉर एनी रूटीन ह्यूमन टास्क इफिशेंटली हो जाए। कंप्यूटर्स आर यूज टू सॉल्विंग वेरियस डे टू डे एक्टिविटीज, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज होते हैं, एंड दस प्रॉब्लम सॉल्विंग इज एन एसेंशियल स्किल्स दैट ए कंप्यूटर सिस्टम स्टूडेंट शुड नो। कंप्यूटर सिस्टम के जो आप जैसे स्टूडेंट्स हैं तो उनको जानना जरूरी है, इसलिए इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बताई गई है। इट इज प्रेमिनेंट टू मैंशन द कंप्यूटर्स दैम सेल्फ्स कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, आपको पता है जैसे कि कंप्यूटर्स अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, उनको इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है जिसके थ्रू वो काम करते हैं। प्रीशियस स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन बाय अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। थर्स द सक्सेस ऑफ ए कंप्यूटर इन सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, जब कंप्यूटर की सक्सेस रेट अगर हम देखें कि उसने प्रॉब्लम सॉल्व करी या नहीं करी, डिपेंड्स अपॉन हाउ करेक्टली एंड प्रीशियसली वी डिफाइन द प्रॉब्लम, हमने किस तरीके से उसको डिफाइन किया है प्रॉब्लम को, और प्रीशियसली किस तरीके से प्रॉब्लम को करेक्टली हमने उसको बनाया है, समझाया है, उसको डिज़ाइन किया है, सॉल्यूशन या एल्गोरिथम जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे, एंड इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन प्रोग्राम यूजिंग ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू किया है। थस प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करना, उसको डेवलप एल्गोरिथम करना फॉर द आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, एंड देन फाइनली इम्प्लीमेंट द एल्गोरिथम, एंड एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करना टू डेवलप द कंप्यूटर प्रोग्राम। ये सब स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसके बारे में काफ़ी डिटेल में नीचे दिया गया है। देखिए यहाँ पे छोटा सा पॉइंट बताया है GIO, उसके पर थोड़े से आपको GIGO के बस फुल फॉर्म ध्यान रखनी है कि गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, इसके लिए बताया द करेक्टनेस ऑफ द आउटपुट दैट ए कंप्यूटर गिव्स डिपेंड्स ऑन द करेक्टनेस ऑफ द इनपुट प्रोवाइड, जैसे ही आप इंस्ट्रक्शन दोगे वैसे ही आपको प्रॉपर वो आउटपुट देगा। अगर आपने इंस्ट्रक्शन ही गलत दी है तो ऑब्वियसली आउटपुट गलत आएगा ही आएगा। अब देखिए स्टेप्स बोला है प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर, सपोज आप एक प्रॉब्लम एक अच्छी दिन है, सपोज आप एक ड्राइविंग करते टाइम आपने एक व्हीकल को स्टार्ट किया, ठीक है, उसमें बहुत अजीब सी आवाज़ आने लगी, तो आप क्या सोचोगे कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स को राइट अवे, उससे हम सॉल्व करने की कोशिश करोगे। फर्स्ट आप आइडेंटिफाई करोगे वेयर द नॉइस इज कमिंग, कहाँ से आ रही है वो। इन केस द प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व बाय अस, हमसे नहीं सॉल्व की जाएगी, तो हम क्या करेंगे, व्हीकल के मैकेनिक को बुलाएंगे, मैकेनिक फिर उसको एनालाइज करेगा, आइडेंटिफाई करेगा सोर्स ऑफ नॉइस कहाँ से आ रही है, मेक ए प्लान, उसका प्लान बनाएगा किस तरीके से वर्क करना है, और फाइनली रिपेयर द व्हीकल इन ऑर्डर टू रिमूव द नॉइस। फ्रॉम द अबव एग्जांपल इट इज एक्सप्लिसिट दैट फाइंडिंग द सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम माइट कंसिस्ट इन मल्टीपल स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप्स किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। व्हेन प्रॉब्लम्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ईजी, बहुत छोटी सी और ईजी प्रॉब्लम होती है, वी कैन ईजिली फाइंड द सोल्यूशन, बट फॉर ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम रिक्वायर्स ए मैथोलॉजिकल अप्रोच, मतलब आपको एक इस तरीके से सिस्टमेटिक वे में काम करना पड़ेगा अप्रोच बना के टू फाइंड द राइट सोल्यूशन। इन अदर वर्ड्स वी हैव टू अप्लाई प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिगिन्स विद द प्रीशियस आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, एंड एंड्स विद द कम्प्लीट वर्किंग सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर, और एंड कब खत्म होगा उसका, जब आप सॉफ्टवेयर को पूरा पूरा बना लोगे। की स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर द सॉल्विंग ऑफ द प्रॉब्लम यूजिंग द कंप्यूटर, ये देखो इस फिगर में बताया गया है,
जैसे कि पहले स्टेप पे आपको उसको प्रॉब्लम को एनालाइज करना, सबके डिटेल में नीचे आएंगे सभी स्टेप से, फिर उसकी डेवलपिंग एल्गोरिथम बनाना, फिर उसकी कोडिंग एक्चुअल परफॉर्म करना, और फिर टेस्टिंग करना कि सही बना है या नहीं, और अगर बना है तो उसको डीबगिंग करना अगर एरर उसमें आ रही है तो, ठीक है। डीबगिंग का मतलब होता है एरर्स को हटाना, ठीक है। इसी में सब डिस्कस किया गया आगे। देखिए, एनालिसिस द प्रॉब्लम, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू क्लियरली अंडरस्टैंड ए प्रॉब्लम बिफोर वी बिगिन टू फाइंड द सॉल्यूशन। इस केस में एनालिसिस द प्रॉब्लम, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम में अंडरस्टैंड करना होता है प्रॉब्लम को कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या सॉल्यूशन से पहले, ठीक है। इफ़ वी आर नॉट क्लियर एज व्हाट इज़ द सॉल्व, व्हाट इज़ टू बी सॉल्व, हमें यही नहीं पता कि क्या सॉल्व करना है, तो हम उसे कर ही नहीं पाएंगे। वी मे एंड अप डेवलपिंग ए प्रोग्राम विच मे नॉट सॉल्व अवर पर्पज, हमारे पर्पज़ को सॉल्व ही नहीं कर पाएगा अगर हम समझ नहीं पाए कि हमें करना क्या है। थस वी नीड टू रीड एंड एनालाइज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स केयरफुली इन ऑर्डर टू लिस्ट द प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम, को लिस्टिंग करेंगे, डिसाइड करेंगे कोर फंक्शनैलिटी क्या होनी चाहिए उसकी, दैट और सोल्यूशन शुड हैव। बाय एनालाइजिंग ए प्रॉब्लम वी वुड बी एबल टू फिगर आउट वट इज द इनपुट दैट आवर प्रोग्राम शुड एक्सेप्ट एंड आउटपुट दैट इट शुड बी प्रोड्यूस, क्या वो इनपुट ले और क्या वो आउटपुट प्रोड्यूस करे, ये चीज़ें हमें पहले से आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, एनालाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है डेवलपिंग एन एल्गोरिथम, उसकी फिर हम एक एल्गोरिथम बनाएंगे। इट इज़ एसेंशियल, बहुत ज़रूरी है टू डिवाइस ए सोल्यूशन बिफोर राइटिंग ए प्रोग्राम कोड फॉर ए गिवन प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम के लिए कोड डिजाइन करने से पहले इसेंशियल है बहुत ज़्यादा कि उसको प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से एल्गोरिथम बनाई जाए, ठीक है। दिस सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड इन द नेचुरल लैंग्वेज, जो एल्गोरिथम होती है वो आपका सॉल्यूशन वो आपका एक नेचुरल लैंग्वेज में होता है, वो किसी कोडिंग से रिलेटेड नहीं होता, सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नहीं होता, एक नेचुरल लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है। इस कॉल्ड एन एल्गोरिथम, वी कैन इमेजिन एन एल्गोरिथम लाइक ए वेरी वेल रिटन रेसिपी। आप सोचो आपको एक डिश एक बना रहे हो, उसमें आपने बहुत अच्छी तरीके से रिटन एक रेसिपी ली फॉर ए डिश विद क्लियरली डिफाइंड स्टेप्स दैट इफ फॉलोड वन विल एंड अप बीइंग ए डिश। अच्छी सी डिश आप बना पाओगे अगर आपने उन स्टेप्स को फॉलो किया जो आपने पहले से रिटर्न में या लिखे हुए डिसाइड कर रखे हैं। वी स्टार्ट विद अन टेंटेटिव सॉल्यूशंस प्लान एंड कीप ऑन रिफाइनिंग द एल्गोरिथम अंटिल द एल्गोरिथम इज एबल टू कम टू कैप्चर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द डिजायर्ड सॉल्यूशन। जब तक हम उसको रिफाइन करते रहेंगे एल्गोरिथम को, जब तक जो हमें सॉल्यूशन चाहिए उसके रिगार्डिंग वो नहीं बना पा रही है तो उसको एक्यूरेट करते रहेंगे। फॉर ए गिवन प्रॉब्लम मोर देन वन एल्गोरिथम इज पॉसिबल, एक प्रॉब्लम के लिए एक से ज़्यादा एल्गोरिथम हो सकती है, एंड वी हैव टू सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन जो हमें लिए अच्छा रहे। द एल्गोरिथम इज डिस्कस, हम आगे डिस्कस करेंगे इसको 4.3 में क्या होते हैं, कोडिंग के बारे में बात करते हैं कोडिंग क्या होता है। आफ्टर फाइनलाइजिंग द एल्गोरिथम वी नीड टू, हमें एल्गोरिथम फाइनल करिए कौन सी बनानी है, वी नीड टू कन्वर्ट द एल्गोरिथम इन टू द फॉर्मेट विच कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। जैसे तो ऊपर हमने बात किया था एल्गोरिथम नेचुरल लैंग्वेज में लिखी जाती है, ये कंप्यूटर कोडिंग में नहीं होती, लेकिन इसको बनाने के बाद हमें ज़रूरी है कि उसको हम कन्वर्ट करें एल्गोरिथम को कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, दैट इज़ कॉल्ड कोडिंग। टू जनरेट द डिजायर्ड सोल्यूशन डिफरेंट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैन बी यूज फॉर द राइटिंग ए प्रोग्राम। बहुत सारी अवेलेबल है हाई लेवल लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, इवन आपके पाइथन भी। इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट टू रिकॉर्ड द डिटेल्स ऑफ द कोडिंग को, पहले आप अच्छे से इंपॉर्टेंट है कि रिकॉर्ड करें डिटेल्स को। प्रोसीजर्स फॉलोड एंड डॉक्यूमेंट्स द सॉल्यूशन, उन सॉल्यूशन को रिटर्न में लिखते रहो कि आपने क्या बनाना चाहा, कैसे बनाया, ठीक है, उसके डॉक्यूमेंटेशन की बात हो रही है। दिस इज़ हेल्पफुल व्हेन रिविजिटिंग द प्रोग्राम्स एट ए लेटर स्टेज, कभी बाद में आपको उन प्रोग्राम्स को दोबारा देखना पड़े, अगर डॉक्यूमेंटेशन होगी तो आप जल्दी उसको समझ पाओगे और उसको मेंटेन कर पाओगे आगे तक कोड को। कोडिंग इज एक्सप्लेन अगली चाहेगा वो। नेक्स्ट देखते हैं टेस्टिंग एंड डिबगिंग। टेस्टिंग एंड डिबगिंग के अंदर बताया गया है द प्रोग्राम क्रिएटेड शुड बी टेस्टेड ऑन वेरियस पैरामीटर्स, अलग अलग पैरामीटर्स पे उसको टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। द प्रोग्राम शुड मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूज़र, यूज़र की रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहिए। इट मस्ट रिस्पॉन्ड विद इन द एक्सपेक्टेड टाइम में रिस्पॉन्ड करना चाहिए। इट शुड जनरेट करेक्ट आउटपुट होना चाहिए फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट्स इन द प्रेजेंस ऑफ द सिंटैक्टिकल एरर्स, ऐसे एरर जो सिंटैक्टिकल वे में, जो सिस्टम्स के लेवल पे आपने सिंटैक्स ही गलत लिख दी है। नो आउटपुट विल बी ऑब्टेन
इन केस द आउटपुट जनरेटेड इज इनकरेक्ट देन द प्रोग्राम शुड बी चेक्ड फॉर लॉजिकल एरर। अगर आपका आउटपुट जनरेट भी हो गया लेकिन वो कुछ इनकरेक्ट है तो उसको दोबारा लॉजिकल एरर पे ढूंढना पड़ेगा। इफ एनी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज फॉलो स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग मेथड, बहुत सारे मेथड फॉलो करती है वो, जिनमें यूनिट टेस्टिंग, कंपोनेंट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, आगे डिटेल में आएगा इन सबके बारे में, ये सब फॉलो की जाती है वाइल डेवलपिंग कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस। दिस इज टू इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर मीट्स ऑल द बिजनेस एंड टेक्निकल रिक्वायरमेंट। देखो मेन सॉफ्टवेयर का पर्पस यही है कि वो हमारे बिजनेस की सारी के सारी नीड्स को पूरा कर सके एंड वर्क्स एज एक्सपेक्टेड, ऐसे काम करे जो हमारे एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है। द एरर्स और डिफेक्ट फाउंड इन द टेस्टिंग फेसिस आर डीबग, उनको डीबग किया जाएगा और रेक्टिफाई किया जाएगा एंड द प्रोग्राम इस अगेन टेस्टेड। उनको डीबग का मतलब होता है एरर्स को हटाना, उनको डीबग करने के बाद रेक्टिफाई किया जाएगा और प्रोग्राम को दोबारा टेस्ट किया जाएगा। दिस कंटिन्यूस टिल ऑल द एरर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोग्राम। तो टेस्टिंग एक रिपीटेटेड प्रोसेस है कि एक बार एरर हटाने के बाद उसको दोबारा कोई एरर आ गई हो तो उसको बार बार कंटिन्यूसली हमें टिल सारी सारी एरर रिमूव नहीं होती तब तक हमें उसको टेस्ट करते रहना चाहिए। वंस द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हैज बीन डेवलप्ड टेस्टेड एंड डिलीवर टू द यूज़र, आपने सारे टेस्ट कर लिया, बना लिया उसको, फिर टेस्ट कर लिया, उसके बाद यूज़र को दे दिया, स्टिल प्रॉब्लम्स इन द टर्म्स ऑफ फंक्शनिंग कैन कम अप, बाद में भी प्रॉब्लम आ सकती है फंक्शनिंग के टाइम में, एंड नीड्स टू बी रिजॉल्व, उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा टाइम बाई टाइम। इस जो आफ्टर आपने यूज़र को दे दिया बना के सिस्टम, अपने प्रोग्राम सॉफ्टवेयर पूरा बना के दे दिया, उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आती है दैट दीज आर कॉल्ड द मेंटेनेंस, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ द सॉल्यूशन। थस इन्वॉल्विंग फिक्सिंग द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द यूज़र इज कॉल्ड द मेंटेनेंस, जैसे कि आंसरिंग करना, द क्वेरीज ऑफ द यूज़र एंड इवन सर्विंग द रिक्वेस्ट फॉर एडिशन और डिलीशंस या मॉडिफिकेशंस ऑफ द फीचर्स। डिलीशन अगर कौन करवाएगा, एडिशन करवाना या फिर मॉडिफिकेशन करवाना कुछ फीचर्स का अकॉर्डिंग टू द यूज़र नीड। आप देखिए एल्गोरिथम के बारे में डिटेल में आया आगे। इन अवर डे टू डे लाइफ वी परफॉर्म एक्टिविटीज बाय फॉलोइंग सर्टेन सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, हमें कुछ सीक्वेंस मतलब कि लगातार एक सीक्वेंस में स्टेप्स को करना होता है कुछ डे टू डे एक्टिविटीज़ को करने के लिए। एग्जाम्पल जैसे हमें एक्टिविटीज़ में रेडी टू स्कूल जाने के लिए तैयार होने में, मेकिंग ब्रेकफास्ट बनाने में, राइडिंग ए बाइसिकल, वेयरिंग ए टाई, सॉल्विंग ए पजल एंड सो, उन सबको करने के लिए हमें कुछ एक्टिविटीज सीक्वेंस में फॉलो करनी पड़ती है जिन्हें स्टेप्स कहते हैं, कि ऐसे स्टेप्स को सीक्वेंसली फॉलो करना वन बाय वन, ठीक है। टू कंप्लीट ईच एक्टिविटी वी फॉलो ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स का होना, सीक्वेंस मतलब लगातार एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए, यानी कि कोई स्टेप पहले कर दे, कोई स्टेप बाद में कर ले। मतलब सपोज आप देखो ये ब्रेकफास्ट बना रहे हो, ब्रेकफास्ट बनाते टाइम आपने गैस को ऑन करने वाला स्टेप जो शुरू में लेना था उसको आपने चार स्टेप बाद लिया या आखिरी में लिया, तो क्या कुछ जो आपने पिछले स्टेप किए को बेनिफिट होगा? जब गैस ही नहीं चलेगी तो ब्रेकफास्ट बनेगा नहीं। तो मतलब सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर सीक्वेंस गड़बड़ होगा तो स्टेप्स सही नहीं होंगे और आपका आउटपुट भी सही नहीं आएगा। सपोज फॉलोइंग आर द स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटीज़, राइडिंग ए बाइसिकल, आप बाइसिकल राइड करना चाहते हैं, उसके स्टेप्स क्या होंगे? रिमूव द बाइसिकल फॉर द स्टैंड से उठाओगे, सिट ऑन द सीट ऑफ द बाइसिकल, पैडलिंग करना स्टार्ट करोगे, ब्रेक्स का इस्तेमाल करोगे जब भी हमें ज़रूरत होगी, स्टॉप ऑन रीचिंग द डेस्टिनेशन, जहाँ आपको पहुँचना था वहाँ पहुँचने के बाद स्टॉप कर लोगे। देखो ऐसे ही और उन्होंने बताया है, ये आपका कुछ स्टेप्स हो गए इसके। आगे देखिए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर फाइंड करना है दो नंबर्स का, दैट इज 45 और 56। इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, इनके सबके सब डिवीज़र निकाले 45 के, जी ये होते हैं डिवीज़र 54 के निकाले, ये होते हैं। अब इनमें से कॉमन देख लो, कॉमन आपका देखिए 9 ही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टेप्स फॉलो करके आप सब कर सकते हो। इट इज़ क्लियर दैट वी नीड्स टू फॉलो ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू अकम्प्लिश ए टास्क, सच ए फाइंड सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू गेट दैट डिजायर्ड आउटपुट इज कॉल्ड द एल्गोरिथम। जो हम स्टेप्स को फॉलो करते हैं एक पर्टिकुलर आउटपुट को निकालने के लिए, उन्हें हम एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। इट इज़ लीड्स टू द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स इन द फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में दे देगा वो, इफ़ फॉलोड करेक्टली। एल्गोरिथम्स हैज़ ए डिफाइंड बिगिनिंग, उसकी बिल्कुल प्री डिफाइंड बिगिनिंग रहेगी एंड ए डिफाइंड एंड भी रहेगा, एंड कंसिस्ट ऑफ ए फाइंड नंबर ऑफ स्टेप्स रहते हैं उसके अंदर। फाइंड मतलब कि गिनती के स्टेप्स, यानी कि अगर आप सोचोगे भाई 10 स्टेप है 10 के 10 ही होंगे, यानी कि 10 के आपने 12 या 15 कर दिए, वो फिक्स स्टेप्स रहते हैं, फाइंड मतलब फिक्स जिनकी आप गिनती कर सको। अब देखिए नेक्स्ट पूछा गया है इसमें, व्हाई डू वी नीड एन एल्गोरिथम, हम एल्गोरिथम की जरूरत क्यों पड़ती है, डायरेक्ट प्रोग्रामिंग भी तो कर सकते हैं। देखिए बताया गया है, ए प्रोग्रामर राइट्स अ प्रोग्राम टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू डू अ सर्टेन टास्क एज डिजायर्ड, द कंप्यूटर देन फॉलो द स्टेप्स रिटन इन द प्रोग्रामिंग कोड, देयरफॉर द प्रोग्राम
मगर फर्स्ट प्रिपेयर ए रोड मैप। देखो एल्गोरिथम का काम है कि रोड मैप देना, सो कि रोड मैप समझ सकते हो कि नक्शा बनाना है कि किस तरीके से कैसे काम करना है ऑफ द प्रोग्राम टू बी रिटर्न बिफोर एक्चुअली राइटिंग द कोड। से पहले उससे रोड मैप तो बनाना पड़ेगा। विदाउट ए रोड मैप द प्रोग्रामर मे नॉट बी एबल टू क्लियरली विजुअलाइज द इंस्ट्रक्शंस। वो क्लियरली नहीं कर पाएगा इंस्ट्रक्शंस को विजुअलाइज टू रिटर्न एंड मे एंड अप डेवलपिंग ए प्रोग्राम विच मे नॉट वर्क एज एक्सपेक्टेड। मतलब ऐसा प्रोग्राम भी बन सकता है विदाउट रोड मैप को फॉलो करे जो एक्सपेक्टेड नहीं था, हमारे लिए वो बेकार हो जाएगा सारा सारा काम किया हुआ। सच ए रोड मैप इज नथिंग बट द एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम ही है विच इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द कंप्यूटर। प्रोग्राम का बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता है इसको। फॉर एग्जाम्पल सर्चिंग यूजिंग ए सर्च इंजन, सेंडिंग ए मैसेज हमें सेंड करना है, फाइंडिंग ए वर्ड इन द डॉक्यूमेंट, बुकिंग ए टैक्सी थ्रू एन ऐप, परफॉर्मिंग ऑनलाइन बैंकिंग या प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, ऑल आर बेस्ड ऑन एल्गोरिथम। सबके सब जो वर्क आपका होता है ये एल्गोरिथम्स पे ही बेस्ड होता है। विदाउट एल्गोरिथम ये सब चीज़ें करना परफॉर्म पॉसिबल नहीं है। राइटिंग एन एल्गोरिथम इज मोस्टली कंसिडर्ड एज ए फर्स्ट स्टेप इन द प्रोग्रामिंग। सबसे पहला स्टेप यही माना जाता है, हालांकि एनालिसिस वगैरह भी पहले होता है, लेकिन जो हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं उस प्रोग्रामिंग को करने से पहले पहला स्टेप हमारा एल्गोरिथम लिखना माना जाता है। वंस वी हैव एन एल्गोरिथम टू सॉल्व द प्रॉब्लम वी कैन राइट द कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर्स इन हाई लेवल लैंग्वेज में होता है हमेशा ये। इफ द एल्गोरिथम इज करेक्ट कंप्यूटर विल रन द प्रोग्राम करेक्टली करेगा एवरी टाइम। सो द पर्पस ऑफ यूजिंग एन एल्गोरिथम इज टू इंक्रीज द रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब हम उस पर इतना भरोसा कर सकते हैं, एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसीज ऑफ द ऑब्टेंड सॉल्यूशन, कितने अच्छे सॉल्यूशन मिलेंगे। देखो इसके अंदर बात आ रही है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड एल्गोरिथम क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है अच्छे एल्गोरिथम के। प्रीशियस, प्रीशियस होना चाहिए। स्टेप्स आर प्रीशियसली स्टार्टेड एंड डिफाइंड। स्टार्टेड भी पहले से डिफाइंड, यहाँ से स्टार्ट करना और इतने स्टेप होंगे। यूनिकनेस होना चाहिए। रिजल्ट्स ऑफ द ईच स्टेप्स आर यूनिकली डिफाइंड एंड ओनली डिपेंड ऑन द इनपुट एंड द रिजल्ट ऑफ द प्रोसीडिंग प्रीसीडिंग स्टेप। मतलब कि जो पहले स्टेप आपका आया था उस पर डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट स्टेप कैसे चलेगा और कहाँ चलेगा। फिर नेक्स्ट आ रहा है फाइंडनेस। द एल्गोरिथम ऑलवेज स्टॉप्स आफ्टर ए फाइंड नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी कि इनफाइनिट बन जाए, चलती ही जा रही है, फाइंड स्टेप पर रुकना चाहिए। इनपुट कुछ ना कुछ इनपुट रिसीव करना चाहिए और आउटपुट भी देना ही चाहिए। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होती है अच्छी एल्गोरिथम की। वाइल राइटिंग एन एल्गोरिथम इट इज़ इंपॉर्टेंट टू क्लियरली आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। क्या क्या चीज़ें देखिए, द इनपुट टू बी टेकन, क्या हमें इनपुट लेना है यूजर से, प्रोसेसिंग कैसे करनी है, कंपटीशन कैसे करनी है परफॉर्म करने के लिए, डिजायर्ड रिजल्ट और आउटपुट क्या रहेगा उसका बाय द यूजर। अब देखिए रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द एल्गोरिथम, एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखिए कई ग्राफिकल वे में भी बताया गया है इसमें। एल्गोरिथम्स थिंकिंग स्केल्स एंड द सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स और द प्रोग्रामर्स एनालाइज द प्रॉब्लम एंड आइडेंटिफाई द लॉजिकल स्टेप्स दैट नीड्स टू बी फॉलोड टू रीच एन ए सॉल्यूशन। वंस दीज स्टेप्स आर आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाई कर लिए जाएंगे, देन द नीड इज टू बी रिटन डाउन दीज स्टेप्स अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड इनपुट एंड डिजायर्ड आउटपुट। अब इनको इनके साथ लिखना ज़रूरी है कि हमें क्या रिक्वायर्ड रहेंगे इनपुट यूजर से और क्या हम डिजायर्ड आउटपुट लेके आएंगे, तो ये सब आइडेंटिफाई करना ज़रूरी हो जाएगा। देर आर टू कॉमन मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करने की बात हो रही है, एक तो होता है फ्लो चार्ट, आपने जरूर सुना होगा कि अभी होगा थोड़ा बहुत पहले गई, और एक होता है प्रोसीडर कोड, ये आपके नया है। आइदर द मेथड्स कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट्स एन एल्गोरिथम वाइल कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग। क्या क्या चीज़ माइंड में रखनी चाहिए, इट शोकेसेस द लॉजिक, लॉजिक को शोकेस करे, मतलब अच्छे से रिप्रेजेंट करे कि लॉजिक क्या है पूरे प्रोग्राम का जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्यूशंस एक्सक्लूडिंग एनी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो डिटेल आपको नहीं रखनी है। एक्सक्लूडिंग का मतलब वो डिटेल्स आपको यहाँ से हटानी है, नहीं रखनी है। इट क्लियरली रिवेल्स द फ्लो ऑफ कंट्रोल, को बताए वो कि किस तरीके से प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप लिया जाएगा। फ्लो चार्ट देखिए इसके लिए सबसे ईजी तरीका है, सबसे कारगर भी है और सबसे ज़्यादा यूज़ भी यही होता है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एल्गोरिथम को हम फ्लो चार्ट कहते हैं। देखिए बेसिकली फ्लो चार्ट इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। ए फ्लो चार्ट इज ए डायग्राम मेड अप ऑफ बॉक्सिस, देखिए इसमें ये सब इस वजह से होते हैं बता रहा हूँ मैं आगे डिटेल में, डायमंड्स एंड अदर शेप्स कनेक्टेड बाय एरो, एरो की मदद से उनको जोड़ा जाता है। ईच शेप्स रिप्रेजेंट द स्टेप्स ऑफ एल्गोरिथम प्रोसेस एंड द एरो रिप्रेजेंट द ऑर्डर और लिंक अमंग द स्टेप्स के बीच में लिंकिंग होती है।
देखो इन्हीं को ये नीचे बताया गया किस तरीके से कौन कौन से इसमें सिंबल्स का इस्तेमाल होता है। तो सिंबल्स एग्जाम पूछ सकते हैं फ्लो चार्ट के क्या होते हैं, तो आपको ये सिंबल्स हैं जो आपके सिलेबस में भी है, चार पाँच हैं करीब ही, ठीक है। तो इनको आपको जरूर ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। देखिए एक होता है पहले वाला, ये वाला दैट इज स्टार्ट एंड एंड, देखिए ध्यान से इसमें राउंड है, स्टार्ट इधर की तरह से कॉर्नर से राउंड है ये वाला आपका शेप। ऑल्सो कॉल्ड द टर्मिनेटर्स सिंबल्स, इनको कहा जाता है स्टार्टिंग और एंडिंग इसी की जाती है किसी फ्लो चार्ट की। इट इंडिकेट्स वेयर द फ्लो चार्ट स्टार्ट और कहाँ खत्म हुआ, कहाँ शुरू हुआ और कहाँ खत्म हुआ। फिर एक देखिए ये होता है रेक्टेंगुलर शेप में, बिल्कुल आपके जो कॉर्नर्स जो होते हैं इसके राउंड नहीं होते हैं, ये प्रोसेस के लिए यूज़ होता है। ऑल्सो कॉल्ड द एक्शन सिंबल, इसे एक्शन सिंबल भी कहा जाता है। इट रिप्रेजेंट्स ए प्रोसेस, प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, एक्शन को रिप्रेजेंट करता है और सिंगल स्टेप भी ये बताता है। एक देखिए डिसीजन वाला होता है, ये डायमंड बॉक्स जिसे हम कहते हैं। ए डिसीजन और ब्रांचिंग पॉइंट यूजली ए येस नो, भाई अगर कोई एक पर्टिकुलर पोजिशन आई उसमें हमें डिसीजन लेना है कि भाई इधर की तरफ जाना है इधर की तरफ जाना है, तो उस केस में ये यूज़ होता है। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन इज आस्क्ड एंड बेस्ड ऑन द आंसर द पाथ गेट्स स्प्लिट इंटू टू ब्रांचेज, में दो ब्रांचेज निकल जाती है, भाई यस कहा तो उसने यहाँ जाएगा, नो कहा तो यहाँ जाएगा। इसको प्रैक्टिकली देखेंगे आगे हम। एक होते देखिए ये वाला थोड़ा सा आपका टर्न करा हुआ है, हल्का सा आपको पैरेललोग्राम की शेप में लगेगा, अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है तो। इनपुट आउटपुट ऑल्सो कॉल्ड द डाटा सिंबल्स, दिस पैरेललोग्राम शेप्ड इज यूज्ड टू इनपुट एंड आउटपुट डाटा, कहीं बीच में आपको यूजर से इनपुट लेना है या कुछ आउटपुट्स को दिखाना है, डिस्प्ले करवाना है, तो उस केस में इन बॉक्सेस का इस्तेमाल होता है। ये एरोज हैं, देखो एरोज तो कनेक्टर होते हैं, आपस में जोड़ने के लिए काम आते हैं फ्लो चार्ट्स के, इन शेप्स के बीच में कनेक्टर्स की तरह इस्तेमाल होते हैं। देखिए इसको देखते हैं प्रॉब्लम को आगे। राइट ए एल्गोरिथम टू फाइंड द स्क्वेयर ऑफ ए नंबर, एक नंबर का स्क्वेयर निकालना है, उसके एल्गोरिथम क्या होगी। देखिए पहले तो आप ये डिसाइड करो आपको क्या क्या उसमें चाहिए, इनपुट चाहिए नंबर, इसका स्क्वेयर निकालना है। प्रोसेस मल्टीप्लाई द नंबर बाय इटसेल्फ, तब इसका स्क्वेयर निकलेगा। फिर आउटपुट में आप स्क्वेयर ऑफ द नंबर जो निकाला आपने वो आउटपुट में दे दोगे। अब इसको एल्गोरिथम देखो बनाते हैं क्या बनेगी, इनपुट ए नंबर एंड स्टोर देम इनटू द नम, किसी भी एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिया यूजर से लेने के बाद, फिर कंप्यूट किया उस नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद, और फिर उसको रिजल्ट को गिने के स्टोर करवा लिया। फिर उस स्क्वेयर को जैसे मान लो सबने स्क्वेयर में स्टोर करवाया था, तो उस स्क्वेयर को प्रिंट कर देंगे। देखिए इस एल्गोरिथम में अगर आप ध्यान से देखो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज नहीं हुआ है, हमें सिंपल लैंग्वेज में सिर्फ स्टेप्स बताए कि हमें क्या क्या करना है। अब देखिए द एल्गोरिथम टू फाइंड स्क्वेयर ऑफ ए नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड पिक्टोरियली, देखो पिक्चर्स के थ्रू कैसे बता सकते हैं। देखिए इसे फ्लो चार्ट विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है। देखिए इसमें कैसे हो रहा है, जैसे अभी हमने सिंबल्स भी देखे थे इसके ऊपर कि कौन कौन से सिंबल्स यूज़ होते हैं। देखिए यहाँ वाले इन सब का इस्तेमाल करके हम इस प्रॉब्लम का एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट स्क्वेयर ऑफ ए नंबर, सबसे पहले स्टार्ट के लिए यही यूज़ होगा, एंड के लिए यही यूज़ होगा, इसे स्टॉप कहते हैं हम। ये जब भी हम इनपुट लेते हैं तो यूज़ देखो पहले हमने स्टार्ट किया, इनपुट किया, नंबर पर यूज़ एंटर करवाएंगे, फिर एरो की से बताया कि एरो यहाँ पे गया, स्क्वेयर हमने निकाला नंबर इनटू नंबर, और फिर प्रिंटर प्रिंट करवा दिया स्क्वेयर। देखिए ध्यान से आउटपुट के लिए और इनपुट के लिए यही वाले यूज़ हुए हैं, और इन बिटवीन ये यूज़ होते हैं, और स्टार्टिंग और एंडिंग में ये यूज़ होते हैं, ठीक है। ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ नॉन फंक्शनिंग लाइट बल्ब, आपके घर में कोई लाइट बल्ब लगा है वो फंक्शन नहीं कर रहा है, उसके लिए एल्गोरिथम आपको लिखनी है। देखिए क्या होगा, स्टार्टिंग एंडिंग तक वही रहेगा, पहले हमने स्टार्टिंग लगाना शुरू किया, फिर हमने एक ये डायमंड शेप वाला बॉक्स लगा दिया जो ये पता लगाएगा कि हमें चॉइस क्या येस और नो वाला जहाँ भी क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आप लोगे। सबसे पहले आप ये पता लगाओगे इज द बल्ब इज स्विच ऑन, क्या पता स्विच ऑफ हो, अगर स्विच ऑफ नहीं है तो हम स्विच ऑन को, अगर स्विच ऑन नहीं है तो हम क्या करेंगे उसको स्विच को ऑन करेंगे, और फिर क्या बल्ब ऑन हुआ उसको चेक करेंगे, नहीं हुआ तो फिर यहीं आ जाएंगे। अगर स्विच ऑन करने पहले स्विच ऑन था यस था तो फिर इज द बल्ब इज आउट बर्नड आउट, क्या क्या वो ख़राब हो गया है, बल्ब की तार वार अंदर टूट गई है, फ्यूज़ हो गया है वो, ठीक है। तो उस केस में अगर नहीं है, बल्ब भी ख़राब नहीं है फिर भी नहीं जल रहा बल्ब, ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिशियन को कॉल करोगे, और अगर उसकी तार टूटी हुई है बल्ब ख़राब है बल्ब ही ख़राब हुआ है तब क्या करोगे, सिंपल उसको बल्ब को रिप्लेस कर दोगे खुद ही। लेकिन अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है यानी बल्ब भी ठीक है आपने स्विच भी ऑन चेक कर लिया, तब तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा। इस वाले में जाएंगे नो वाले केस में, और यहाँ स्टॉप हो जाएगा, यस में आप खुद ही रिप्लेस कर लोगे और उसको स्टॉप कर दोगे, ठीक है। तो ये स्टेप्स इसमें फॉलो होंगे जिनको आपने फ्लो चार्ट के थ्रू बताया है। नेक्स्ट देखिए प्रोसीजर कोड के बारे में बात हो रही है। प्रोसीजर कोड प्रोनाउंस एज द सूडो कोड हम इसे कहते हैं, इज
another way to representing the algorithm, it is considered as a non-formal language. ध्यान दीजिए, इस पर नॉन फॉर्मल लैंग्वेज की बात हो रही है. दैट हेल्प्स प्रोग्रामर्स टू राइट एल्गोरिथम को राइट करने के लिए यूज़ होता है. इट इज़ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंस्ट्रक्शन. जो भी इंस्ट्रक्शन आप करोगे लोगे या इंस्ट्रक्शन को आगे उसमें फॉलो करवाने के लिए दोगे, तो इंस्ट्रक्शन डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन की डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन रहेगी. That a computer must follow in a particular order. जो उस order में उस sequence को follow करना ज़रूरी होगा उसी को हम pseudo code कहते हैं. It is intended for the human reading and cannot be executed directly by the computer. देखिए, ये basically humans की reading के लिए बनाया जाता है. इसको आप directly computer पर execute नहीं करवा सकते हो, क्योंकि no specific standard for writing of the pseudo code exist कभी है ही नहीं. The word pseudo means the not real. ठीक है, so the सूडो कोड का मतलब क्या हुआ, नॉट रियल कोड. फॉलोइंग आता देखो कौन कौन से सीक्वेंस हम कीवर्ड्स इसमें इस्तेमाल करते हैं. कुछ देखिए, इनपुट हम यूज़ करते हैं कंप्यूट करवाने के लिए, फिर प्रिंट के लिए, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इफेल्स के लिए इफेल्स ही यूज़ करते हैं, वाइल ट्रू और फॉल्स. देखिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. राइट ए सूडो कोड फॉर द क्रिएटिंग द स्कोरबोर्ड ऑफ द हॉकी. आप अलग से बना के देख सकते हो. देखो इस प्रोग्राम को देखते हैं पहले, उन्होंने कैसे बनाया है. राइट एन एल्गोरिथम टू डिस्प्ले द सम ऑफ टू नंबर्स एंटर्ड बाय द यूज़र थ्रू यूजिंग बोथ सूडो कोड एंड फ्लोचार्ट. दोनों बनाना है इस क्वेश्चन में बोला गया है. एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं 11th क्लास में. सूडो कोड फॉर द सम ऑफ द टू नंबर्स क्या होगा. देखिए, पहले इनपुट नंबर वन करवाया, फिर इनपुट नंबर टू करवाया. कंप्यूट रिजल्ट हम कंप्यूट करवाएंगे जी. कंप्यूट करना है रिजल्ट क्या, इक्वल टू नम वन और नम टू को हम प्लस कर देंगे तो हो जाएगा, और फिर प्रिंट रिजल्ट कर देंगे. तो सिंपल स्टेप्स हमें इसको लिख के बताने हैं, या फिर स्टेप्स के ऊपर नहीं लिखे जाते हैं. ये आपको बताया था मैंने कीवर्ड्स कौन से यूज़ होते हैं, इन्हीं का इस्तेमाल करना है, सिवाय कीवर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना. ठीक है, बाकी अब ऑपरेटर कोई भी लगाओ, प्लस माइनस डिवाइड. इसका देखो फ्लो चार्ट सिंपल है. स्टार्ट हमने किया, रीड नंबर वन और नंबर टू दोनों यूजर से एंटर करवाए, रिजल्ट हमने निकालने के लिए प्रोसेस किया. ठीक है, नंबर वन और नंबर टू को, और फिर प्रिंट करवाते हैं रिजल्ट. ये भी आपका इसी वाले बॉक्स में आएगा, क्योंकि इनपुट और आउटपुट इसमें आते हैं. इसके बाद आपका स्टॉप हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. राइट एन एल्गोरिथम टू कैलकुलेट एरिया एंड परपेंडिकुलर ऑफ ए रेक्टेंगुलर. रेक्टेंगल का हमें एरिया और परपेंडिकुलर यूजिंग बोथ सूडो कोड और फ्लो चार्ट दोनों समय बताना है. पैरामीटर और रेक्टेंगल निकालना. देखते हैं पहले इसका सूडो कोड क्या बनेगा. पहले इनपुट करवाया हमने लेंथ, और फिर इनपुट ब्रेथ करवाया. कंप्यूट एरिया किया लेंथ इनटू ब्रेथ, प्रिंट एरिया करवाया. कंप्यूट हमने पैरामीटर को कंप्यूट करने के लिए कि हमने सिंपल सा वेरिएबल ले लिया. पूरा पैरामीटर भी लिख सकते हो, इक्वल टू टू इंटू ये फार्मूला इसका होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ. फिर प्रिंट करवा दिया पैरामीटर को. इसके लिए देखिए एल्गोरिथम क्या बनेगी आपकी फ्लो चार्ट में. यहाँ पे देखिए फ्लो चार्ट क्या है आपका. फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट द एरिया एंड पैरामीटर, इसी का प्रोग्राम करने फ्लो चार्ट बनाया है. स्टार्टिंग में देखिए, पहले आप उससे इनपुट इनपुट करवाओगे तो इसके अकॉर्डिंग भी आप देख के इजीली समझ जाओगे कि यहाँ से हमने दो चीज़ इनपुट करवाई थी. दोनों चीज़ हमें यहाँ पे इनपुट करवाई. फिर कंप्यूट करवाना है, इसके लिए हमें ये वाला बॉक्स लगवाया. फिर प्रिंट करवाना है, इसके अकॉर्डिंग हमने ये वाला बॉक्स लगवाया आउटपुट दिखाने के लिए. फिर हमें ये वाला कंप्यूट करवाना है. देखिए हमने दोबारा ये वाला बॉक्स लगा दिया रेक्टेंगल वाला. फिर ये चीज़ हमें डिस्प्ले करवानी है पैरामीटर की, तो ये हमें इस टाइप का बॉक्स लगा दिया पहले लोग्राम वाला, तो बाद में ऐड हो गया. तो इसी के अकॉर्डिंग सारा एडिटिंग चलता है. अब इसके बेनिफिट क्या है सूडो कोड को बनाने के. बिफोर राइटिंग कोड्स इन ए हाई लेवल लैंग्वेज सी या सी प्लस प्लस आपका लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज मानी जाती है, जावा पाइथन इवन, ए सूडो कोड ऑफ अ प्रोग्राम हेल्प्स इन रिप्रेजेंटिंग द बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ द इंटेंडेड प्रोग्राम. उस प्रोग्राम की बेसिक फंक्शनैलिटी क्या रहेगी वो आप डिसाइड कर लेते हो, रिप्रेजेंट कर देते हो उसको. बाय राइटिंग द कोड फर्स्ट इन द ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज द प्रोग्रामर सेफ गार्ड, उसको काफ़ी सेफ्टी भी उसकी हो जाती है अगेंस्ट द लीविंग आउट एनी इंपॉर्टेंट स्टेप. को छूटेगा नहीं, एक बार देखो उसने इस तरीके से सूडो कोड बना लिया तो उसके लिए ईजी रहेगा कि हाँ ये सब काम करने हैं, स्टेप्स ईजी रहेंगे उसको आगे फॉलो करने, कोई स्किप नहीं होगा. बिसाइड्स फॉर नॉन प्रोग्रामर्स एक्चुअल प्रोग्राम्स आर डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड, बट सूडो कोड हेल्प्स देम टू रिव्यू द स्टेप्स टू कन्फर्म दैट द प्रपोज्ड इम्प्लीमेंटेशन इज गोइंग टू अचीव द डिजायर्ड आउटपुट. देखो कुछ जो नॉन प्रोग्रामर होते हैं वो भी इस चीज़ को देख के इजिली समझ जाएंगे कि हाँ ये स्टेप्स दिए जा रहे हैं. ठीक है, तो उनके लिए ईजी रहता है इन सबको रिव्यू करना कि वो प्रोग्राम जो आप कर रहे हो बनाने जा रहे हो वो सही बन रहा है कि नहीं बन रहा. ठीक है, नेक्स्ट एक और छोटा सा पॉइंट देखते हैं इसमें, दैट इज़ फ्लो ऑफ कंट्रोल. देखो फ्लो ऑफ कंट्रोल मतलब किस वे में कंट्रोल्स आपके चल रहे हैं. देखो द
फ्लो ऑफ कंट्रोल के अंदर कि द फ्लो ऑफ कंट्रोल डिस्पाइट्स द फ्लो ऑफ इवेंट्स एज रिप्रेजेंटेड इन द फ्लो चार्ट के अंदर जो चल रहा है उसको फ्लो बता रहा है. इवेंट्स कैन फॉलो इन सीक्वेंस, सीक्वेंस में फॉलो कर सकते हैं अगर आपके लगातार चलते जा रहे हैं आपने डायमंड बॉक्स यूज नहीं किया है तो, और इन द ब्रांच बेस्ड ऑन द डिसीजन, आपने डायमंड बॉक्स बीच में डिसीजन वाला यूज किया है तो आपके लिए उस पर डिपेंड करेगा. और इवन रिपीट सम पार्ट्स ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स में रिपीट भी कर सकता है. ठीक है, तो इसको हम देखेंगे बाद में फ्लो ऑफ कंट्रोल्स के सीक्वेंसेस वगैरह नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको देखिए ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा कमेंट कीजिए, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा. व्हाट्सअप नंबर मैंने इसमें दिया हुआ है, अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप वहाँ पर मैसेज करके उसको पूछ सकते हो. थैंक यू स्टूडेंट्स.